पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि और पतंजलि के बाबा रामदेव के खिलाफ कांग्रेस ने इंदौर के जंजीर वाला चौराहे पर गुरुवार दोपहर को जोरदार प्रदर्शन किया। सेवा दल के इस विरोध प्रदर्शन में बाबा रामदेव की प्रतिकृति पर एक ज्ञापन भी चिपकाया गया। शहर के वीर सावरकर चौराहा यानी कि जंजीर वाला चौराहा पर इंदौर शहर कांग्रेस सेवा दल के लोगों द्वारा शहर अध्यक्ष मुकेश यादव और संभाग प्रवक्ता अमित चौरसिया के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेसी लोग जंजीर वाला चौराहा पहुंचे, जहां उन्होंने चौराहे के आसपास चक्कर लगाने के बाद पतंजलि स्टोर पर पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेसियों का कहना था कि बाबा रामदेव ने वर्ष 2014 एवं 2019 के लोकसभा चुनाव के पूर्व देश के मतदाताओं को कहा था कि मोदी सरकार चुनिए, पेट्रोल 35 रुपए लीटर और डीजल 30 रुपए लीटर और गैस की टंकी 300 में मिलेगी, किंतु भाजपा की केंद्र सरकार में पेट्रोल डीजल व अन्य सामग्री पर महंगाई आसमान छू रही है। इस दौरान नगर अध्यक्ष मुकेश यादव ने कहा कि वह महंगाई के विरोध में चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं, जहां आगामी समय में बाबा रामदेव के खिलाफ पुलिस प्रकरण भी दर्ज करवाया जाएगा। बताना चाहेंगे कि कांग्रेस के इस आयोजन में जहां सेवा दल के लोग अच्छी संख्या में मौजूद रहे, तो वहीं शहर कांग्रेस अध्यक्ष सहित कई बड़े नेता आयोजन में नदारद रहे। इंदौर से ब्यूरो राकेश सचर के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट। पूरे देश में सेवा दल का केंद्र की जो बीजेपी सरकार है उसके कुशासन से मुक्ति का अभियान पूरे देश में सेवा दल की तरफ से चल रहा है। इसमें हस्ताक्षर अभियान, ज्ञापन देने का अभियान चल रहा है। आज हमने बाबा रामदेव के इस इंदौर में सबसे बड़ा आउटलेट है यहाँ पर प्रदर्शन करा और बाबा रामदेव जी के नाम एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने 2014 में और 2019 में देश की जनता से ये वादा करा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब चुनो मोदी सरकार, मोदी जी आएंगे 33 रुपये का पेट्रोल करेंगे और 30 रुपये का डीजल करेंगे, गैस की कीमत भी कम करेंगे। लेकिन हुआ उसके पूरे तरह विपरीत। आज देश के अंदर इंदौर में 100 के पार पेट्रोल है, 107-108 रुपये लीटर आज पेट्रोल है और डीजल भी 100 के करीब होने वाला है। गैस की टंकी में आज भी 52 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। खाने पीने के सामान में बेहतर वृद्धि हुई है। इस सब का जिम्मेदार बाबा रामदेव जी हैं। उन्होंने देश की जनता के साथ छल करा, झूठ बोला। हम जल्दी उनकी थाने में भी लिखित में शिकायत करेंगे कि उन्होंने देश की जनता के साथ झूठ बोला और झूठ के सहारे ही अपना पूरा साम्राज्य इन्होंने खड़ा करा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।